स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे PBSSD की आपकी वैकेंसी निकली है जो कि ब्लॉक आपके डिपार्टमेंट की, ठीक है, और आपके DU पोस्ट की और मैनेजर पोस्ट की, आपकी वेरियस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली है। आप किसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड तक देखें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपसे निवेदन करूंगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का पता चलता रहे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अपनी गवर्नमेंट, आपके फ्रेंड या कोई भी आपके जो जान पहचान के गवर्नमेंट वैकेंसी की तलाश में रहते हैं, तो उनको हमारा चैनल सजेस्ट करें, उनको लिंक शेयर करें, जिससे कि वो गवर्नमेंट की वैकेंसी की उनकी तलाश पूरी हो सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि आपको पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन है पश्चिम बंगाल सोसाइटी स्किल डेवलपमेंट की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी रहेगी जो 1 ईयर ओनली है, ठीक है। नॉट आपको देख सकते हैं, आपकी एज होनी चाहिए 44 से 23 के बीच होनी चाहिए, 1/12/2020 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन आपका एग्जामिनेशन होगा जो कि 50 मार्क का होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 30 मार्क का होगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा 20 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी आपको। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर DPM मस्ट बी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, शुड बी हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। शुड बी आपको वेल आपको वर्सेट विद वर्ड पावर पॉइंट एंड एक्सेल, एक्स शुड हैव गुड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन बंगाली एंड इंग्लिश, शुड हैव प्रूवन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग टीम। आपकी सैलरी रहेगी 25,000 रुपये। सब डिवीजन प्रोजेक्ट मैनेजर की दे सकते हैं। मस्ट बी आप पोस्ट ग्रेजुएशन, शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, शुड हैव आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा, यहाँ पे सेम आपका वही रहेगा, ठीक। शुड हैव रिटन आपका होना चाहिए वर्बल एंड कम्युनिकेशन बंगाली और अंग्रेजी, और आपको टीम का हैंडल करने का एक्सपीरियंस 20,000 सैलरी रहेगी। ब्लॉक लेवल स्टाफ की दे सकते हैं। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, शुड हैव गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन बंगाली एंड लोकल लैंग्वेज, फ्लेक्सीबल टू ट्रेवल, एबल टू सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर एंड ग्रास रूट लेवल। बारे आपकी सैलरी रहेगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे दे सकते हैं। मस्ट आपके आपका होना चाहिए बी ए ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, BCA ग्रेजुएट हो सकता है। सब आपको होना चाहिए, शुड हैव एक्सपीरियंस वर्किंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और आप देखते हैं पावर पॉइंट एक्सेल आपको नॉलेज होनी चाहिए, रिटन आपको आपका वर्बल और रिटन में नॉलेज होनी चाहिए बंगाली और अंग्रेजी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 आपकी वर्ड पर मिनट आपकी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन लिंक आवेदन आप कर सकते हैं, 14/10 से 13/11 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूँ किस तरीके से आवेदन करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे जिस पे आपको यहाँ पे वैकेंसी निकली है, ठीक है। इस तरीके से पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने मिल जाएगी। परफॉर्म आ रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, आपको परफॉर्म आए यहाँ पे आपके उसको भरकर भेजना होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की आपकी वेबसाइट आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। डिस्ट्रिक्ट आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। मैं हुगली कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपको नाम बताना है, ठीक है। अब मिस्टर मिसेज जो भी है उसकी भी जानकारी दीजिएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से आपको फादर का नाम उसी तरीके से सेलेक्ट करना है, फादर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपनी मदर का नाम आ रहा है, इस तरीके से सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप विद गार्डियन आपकी जानकारी, सन ऑफ इस तरीके से बता सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम आ रहा है। कैटेगरी आपको बता दें, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC है तो SC बता दीजिएगा, ST है तो ST बताइए। यहाँ पे रिलीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको आ रही है वो बतानी पड़ेगी, आपकी एज जोन यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। जेंडर आप देख सकते हैं मेल फीमेल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको वोटर आईडी आपको बताना पड़ेगा, आधार जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई। तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से एज लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो एक सर्विस मैन है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा आप, ठीक है। इस तरीके से आपको पर्सनल डिसेबिलिटी है यस कर दीजिएगा, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, प्रेजेंट एड्रेस बताना है,
यहाँ पे आप देखते हैं आपका हाउस, यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे हाउस, फ्लैट, प्लॉट, विलेज जो भी है यहाँ पे बताना, स्ट्रीट, एरिया नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन नजदीकी स्टेशन है आपको, यहाँ पे वेस्ट स्टेट बताना, वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिए, ब्लॉक, म्यूनसिपलिटी बतानी है आपकी कौन सी म्यूनसिपलिटी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे आपको जानकारी देनी, सेम एस आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आप दोनों एक ही है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी दूसरा है तो बता दीजिए, या नहीं है तो छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है, ये मैंडेटरी लाल वाले आप दे सकते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल का आपकी जानकारी देनी है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम, यहाँ पे आपको सी जी पी ए परसेंटेज जो भी है इसको बताइए, ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, ट्वेल्थ का आप बताना है, बोर्ड का सी जी आपको यहाँ पे बताना है, इसी तरीके ग्रेजुएशन आपको बताना है, ठीक है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरीके से ईयर ऑफ पासिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपकी जानकारी देनी है, ठीक है। कंप्यूटर आपको सर्टिफिकेशन की जानकारी देनी है, या सी एन ओ कर दीजिएगा, कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है, इस तरीके से यस कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस आपको बता देगा, किसी संस्था में आपने काम किया है, नेम ऑर्गेनाइजर, पद का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिजाइनिंग, इस तरीके से आप करंट में काम कर रहे हैं, यस या नो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से आप और है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ आ रहा है आपका जो कि जेपीजी में रहेगा, देखिए विद इन 20 के भी रहेगा, यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है ऊपर ही, इस तरीके से आपको यहाँ पे दोनों अपलोड कर दीजिएगा। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ठीक है, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है हमारा फोटो, ठीक। उससे कैप्चा को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैप्चा आपको फिलअप करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ये फॉर्म है, मैंने बताया किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, और मैं बता दूंगा आपको कैसे आपको वहाँ पे जाना है, तो उसकी जानकारी मैं भी दे देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको नीचे लिंक मिलेगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट टैब पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आ रही है, यहाँ आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से पूरी नोटिफिकेशन के लिए आपको इसमें से एक पे लिंक कर पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से ये आप वहाँ पहुँच कर आपका आवेदन कर सकते हैं, तो ये जानकारी मैंने बता दी है। फ्रेंड ऐसे ही मैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को गवर्नमेंट की जॉब की तलाश है, आपके फ्रेंड रिलेटिव कोई भी हो जिन लोगों को तलाश है, तो उनको आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।